हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 85 करेंगे, पार्ट 3, निर्धनता एक चुनौती, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र, क्लास 9 की 11 फरवरी। निर्धनता के कारण आज हम इनको जानेंगे। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक जो ऐतिहासिक कारण है ये है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर जो इनका था, वो आर्थिक विकास इन्होंने बहुत गलत तरह से किया था। इसके साथ साथ इन्होंने जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि की थी। साथ में इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर को भी बहुत कम किया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर उनको असफलता मिली और ये निर्धनता का एक चक्र बन के सामने आया। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है कि जो हमारी इनकम है ये एक फिक्स नहीं है, सभी की एक जैसी इनकम नहीं है, सबकी अलग अलग है। कोई रोज के 50 रुपीज कमाता है तो कोई बहुत सारे कमाता है। तो इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधन में असमान वितरण। जो जमीन है उसका भी असमान वितरण भी एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बहुत ही बुरी तरह से जो है गरीबी फैल रही है। अनेक आय जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। कई सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हैं। निर्धनता निरोधी उपाय, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति ने मोटे तौर पर दो कारक बताए हैं, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। तो यहाँ पे 6 प्रोग्राम चलाए गए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो इन कार्यक्रमों के मिले जुले कुछ परिणाम हैं। किसी से तो गरीबी कम हुई है, बल्कि कई सारे जो उन्मूलन कार्यक्रम है इनसे गरीबी अधिक पड़ी है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। गरीबी के क्या कारण है? तो 8 कारण है यहाँ पे। दोषपूर्ण विकास रणनीति, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय कम, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, महंगाई पे महंगाई, तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर और कम उत्पादकता। दूसरा, गरीबी को रोकने के लिए किन्हीं 3 सरकारी योजनाओं के नाम। तो यहाँ पे 6 लिखे, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न के संग। सरकार की गरीब विरोधी रणनीति 2 तत्वों पर आधारित है, ये क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लक्षित करना। चौथा, भारत में गरीबी के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन किसे जिम्मेदार है? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो है भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को इसने बर्बाद कर दिया, जिससे कि लाखों लोगों के लिए आय और रोजगार का स्रोत बंद हो चुका है। आर्थिक विकास की निम्न दर तब और अब की वजह से है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हुए नुकसान की भरपाई आज तक हम नहीं कर पाए हैं और हमें गरीबी से मुक्ति नहीं मिली है। पांचवा, विभिन्न गरीबी विरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में गरीबी क्यों? इन कार्यक्रमों के परिणाम मिले जुले रहे हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जो है गरीबों को नहीं मिल पाया है। इसी वजह से हमारी गरीबी आज तक खत्म नहीं हुई है। तो आप इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।